कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पे अभी खत्म हुई है। उन्होंने कहा कि जो देश में माहौल है, जिस तरह से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, जो अनरेस्ट है, उसको लेकर इस बैठक में चिंता जताई गई है। एक तरफ अर्थव्यवस्था की स्थिति नाजुक है, आईसीयू में अर्थव्यवस्था है, और दूसरी तरफ मोदी सरकार जिस तरह से एनआरसी और सिटीज़न अमेंडमेंट बिल को लेकर जो लोग सड़कों पर उतरे हैं प्रदर्शन करने के लिए, और उनके ऊपर जिस तरह से दमनकारी रवैया अपनाया हुआ है मोदी सरकार ने, उसको लेकर आज की बैठक में चिंता जताई गई है। देखिए, जो देश के अंदर हमारे बेटे बच्चों का जो आक्रोश में है, अपने आवाज़ उठा रहे हैं, जो संविधान के खिलाफ चीज़ें हिंदुस्तान में हो रही हैं, उनका जिस तरह से उनको दबाया जा रहा है, दमन हो रहा है, उसके खिलाफ एकजुटता होनी चाहिए और सख्त आवाज़ उठनी चाहिए। ये पूरे देश की बात है, कोई राजनीतिक बात नहीं है। इसकी चोट आम जनता पर पड़ेगी, एनआरसी की, गरीबों पर पड़ेगी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने पहले हमारे देश की इकोनॉमी को तबाह कर दिया, अब देश का जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको ख़त्म कर रहे हैं। जो स्थिति आज उत्पन्न हुई है संपूर्ण देश में, जहां इस सोच विचारधारा, जो बाबा साहब अंबेडकर, जो हमारे संविधान के निर्माता रहे, उनकी सोच के विपरीत ये विचारधारा, गांधी जी की सोच के विपरीत ये विचारधारा, जो पहले भी इतिहास में कभी नहीं हुआ है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस बर्बरता के साथ हमारे छात्र छात्राओं पर, जिस बर्बरता के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लाठियां डाली गई हैं, गोलियां चलाई गई हैं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण विषय नहीं हो सकता है।